नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सीएम चंपई ने कहा, झारखंड को चरागाह समझती है बीजेपी। झारखंड को भाजपा चरागाह समझती है, यही कारण है कि दूसरी सरकार को काम करने देना नहीं चाहती। झारखंड में चल रही लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने की बार बार कोशिश हो रही है और इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। झारखंड को चरागाह बनने नहीं देंगे, यहाँ की खनिज संपदाओं पर भाजपा की गिद्धी दृष्टि है। ये बातें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंगलवार को गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित अबुआ आवास योजना के स्वीकृति पत्र के वितरण समारोह में कही। सीएम ने कहा है कि झारखंड में युवा सम्राट हेमंत सोरेन के नेतृत्व की लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई, हालांकि इसमें भाजपा सफल नहीं हुई। इसके बाद भी तरह तरह की कोशिशें हो रही है। हेमंत बाबू के खिलाफ ईडी के पास कोई पुख्ता साक्ष्य था ही नहीं। जिस जमीन खरीद की बात कहकर हेमंत बाबू को फंसाने की कोशिश की गई है, उस जमीन के दस्तावेज में कहीं भी उनका नाम नहीं है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का वह सम्मान करते हैं, पर एजेंसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो आरोपी भाजपा में चला जाता है वह वॉशिंग मशीन से साफ हो जाता है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर भाजपा सत्ता हासिल करना चाहती है। झारखंड का बच्चा बच्चा है हेमंत, संघर्ष ही झामो की पहचान। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में झामो का उपवास कार्यक्रम छठे दिन भी जारी रहा। छठे दिन मोराबादी मैदान के बापू वाटिका के समक्ष आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता सरायकेला खरसावा जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो ने किया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि संघर्ष हमारी पार्टी की पहचान है। राज्य में सामंतवादी ताकत और शोषकों की यह फितरत रही है कि कैसे झारखंड को लूटा जाए, झारखंडियों को लूटा जाए, यहाँ के खनिज संपदा पर अपना कब्जा जमाया जाए। इसी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने अपनी लड़ाई को तेज किया तो इनको लगा कि इस आवाज़ को दबाना चाहिए और जेल में डालना चाहिए। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि यहाँ का बच्चा बच्चा हेमंत सोरेन है, इनके अंदर जो खून दौड़ रहा है यह यहाँ के आंदोलनकारियों का खून है। हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की मांगी अनुमति। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी की विशेष अदालत में 23 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी गई है। मामले की सुनवाई बुधवार को ईडी की विशेष अदालत में होगी। दरअसल झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा। हेमंत सोरेन अभी ईडी की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। बता दें, इससे पहले हेमंत सोरेन को विश्वास मत के दौरान सदन की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति मिली थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में मंगलवार को 23 फरवरी को होने वाली राज्य विधानसभा में बजट में भाग लेने की अनुमति मांगी है। सीएम चंपई बोले, 3 महीने में 9 लाख परिवारों को देंगे अबुआ आवास। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अगले 3 महीने में 9 लाख जरूरतमंद आवास विहीन परिवारों को अबुआ आवास योजना का लाभ देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 3 महीने के भीतर 9 लाख गरीब परिवारों को एक साथ अबुआ आवास योजना का लाभ देंगे, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन करने वाले लोगों के दुख दर्द को नज़दीक से समझने का कार्य किया है। हम विकास की राह में खड़े अंतिम पैदान के व्यक्ति तक राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य करेंगे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत प्रखंड एवं जिला मुख्यालय के पदाधिकारी ने ग्राम पंचायत तथा घर घर पहुंचकर लोगों के समस्याओं का निराकरण करने का कार्य किया है। हमारी सरकार का प्रयास है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत की जाए। सरना धर्म कोड पर केंद्र नहीं ले रहा फैसला, मिथिलेश ठाकुर। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सोमवार को नेपाल हाउस स्थित कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। राज्य में जाति गणना किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि सरना धर्म कोड का मामला केंद्र सरकार के पास लंबित है। झारखंड सरकार ने पूर्व में इसे विधानसभा से पारित कराकर केंद्र को भेज दिया, लेकिन केंद्र इस पर कोई निर्णय नहीं ले रहा। जनगणना के दौरान आदिवासियों को किस श्रेणी में रखा जाएगा, यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीयता का मात्र एक उद्देश्य है कि यहाँ के मूलवासियों को तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग में नौकरी दी जा सके। इससे झारखंड में रहने वाले अन्य लोगों को कोई परेशानी नहीं है और उन्हें पहले की तरह मान सम्मान मिलेगा। झारखंड में बीआरपी सीआरपी का बढ़ेगा मानदेय। पारा शिक्षकों की तर्ज पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत
बीआरपी सीआरपी का भी एक मुश्त 50% मानदेय बढ़ेगा। साथ ही इनके मानदेय में भी प्रति वर्ष 4% की वृद्धि होगी। इसे लेकर पारा शिक्षकों की तरह ही इनके लिए भी सेवा शर्त नियमावली गठित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव योजना प्राधिकृत समिति को भेजा गया है। समिति की स्वीकृति के बाद इस पर कैबिनेट का अनुमोदन लिया जाएगा। इससे पहले बीआरपी सीआरपी की सेवा शर्त नियमावली को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के सचिव तथा विधि परामर्शी सम्मिलित हुए थे। रांची में होने वाले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच को बाधित करने की धमकी। प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरु पतबंध सिंह पन्नू ने प्रतिबंधित माओवादी संगठन से 23 से 27 फरवरी तक रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले चौथे टेस्ट मैच में बवंडर पैदा करने का आह्वान किया है। यूट्यूब पर जारी वीडियो में पन्नू ने माओवादी संगठन के रीजनल कमांडर और 15 लाख के इनामी रविंद्र गांजू को भी कार्रवाई करने के लिए उकसाया है। इस संबंध में डीजीपी अजय कुमार सिंह के निर्देश पर दरोगा मदन कुमार महतो ने गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम की धारा 10/13 और 66 FIT एक्ट के तहत धुरवा थाना में सोमवार रात में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी के अनुसार मूल रूप से पंजाब का रहने वाला और वर्तमान में अमेरिका में रह रहे पन्नू ने कहा है कि झारखंड एवं पंजाब में बवंडर पैदा करो। वीडियो के माध्यम से भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स को मैच नहीं खेलने और इंग्लैंड की टीम को वापस जाने की धमकी दी गई है। झारखंड में अब मछली पालकों को चंपई सरकार की सौगात। मत्स्य विभाग की ओर से मछली पालकों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मछली पालकों को पीएम आवास योजना की तर्ज पर अवैध ब्यास आवास योजना के तहत आवास दिया जा रहा है। इसके लिए लाभुक को आवास से संबंधित किसी अन्य प्रकार लाभ नहीं मिला होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें मत्स्य विभाग में मछली पालक के रूप में पंजीयन होना चाहिए। राज्य में 1,65,000 मछली पालक किसान पंजीकृत हैं। योजना के अनुसार लाभुक को 1,20,000 रुपये आवास बनाने के लिए दिया जा रहा है। 280 वर्ग फीट में आवास बनाया जाना है, जिसके लिए लाभुक के खाते में 4 किस्तों में राशि दी जा रही है। झारखंड कांस्टेबल पदों पर आवेदन का अंतिम मौका। पुलिस विभाग में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए झारखंड कांस्टेबल भर्ती 2024 में शामिल होने का अंतिम मौका है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2024 निर्धारित है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किया है, वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या डायरेक्ट लिंक के द्वारा क्लिक कर फॉर्म भर सकते हैं। बता दें, कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी। बजट सत्र को लेकर अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने की मीटिंग। मंगलवार को झारखंड विधानसभा में अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बजट सत्र को लेकर आला अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग की है। स्पीकर कक्ष में हुई बैठक में 23 फरवरी से 2 मार्च तक होने वाले बजट सत्र के दौरान विधि व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक तैयारी की समीक्षा हुई। बैठक में मुख्य सचिव एल ख्यागते अजय कुमार सिंह के अलावे कई विभागीय सचिव मौजूद थे। बजट सत्र के दौरान 27 फरवरी को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेंगे। बता दें, महतो ने अधिकारियों को सदन की कार्यवाही के दौरान आने वाले सवालों का समय से सही और सटीक जवाब विभागों द्वारा दिए जाने का निर्देश दिया है। लंबित सभी सवालों का जवाब विधानसभा में उपलब्ध कराया जाएगा। बापू वाटिका के पास झामुमो का उपवास छठे दिन भी जारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष छठे दिन मंगलवार को सरायकेला खरसावा जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो की अध्यक्षता में उपवास कार्यक्रम संपन्न हुआ। मौके पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि संघर्ष का हमारा लंबा परिचय रहा है। राज्य में सामंतवादी ताकत और शोषकों की यह फितरत रही है कि कैसे झारखंड को लूटा जाए, झारखंडियों को लूटा जाए और यहाँ के खनिज संपदा पर अपना कब्जा जमाया जाए। इसी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने अपनी लड़ाई को तेज किया तो उनको लगा कि इस आवाज़ को दबाना चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए। विकास झारखंड मुक्ति मोर्चा के डीएनए में कभी नहीं रहा सुदेश महतो। झारखंड राज्य में जिनका शासन है वह सिर्फ एक परिवार की भलाई करने में लगा है। विकास झारखंड मुक्ति मोर्चा के डीएनए में कभी नहीं रहा। इन्होंने राज्य के आज के साथ कल को भी बर्बाद कर दिया है, जबकि हमारा उद्देश्य राज्य के हर वर्ग के सभी परिवारों के हित के लिए कार्य करना है। सबका ध्यान सबका सम्मान हमारा दायित्व है। राज्य में अबुआ नहीं पबुआ राज चल रहा है।
यह बातें आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कही है। वह चांडिल डैम रिसोर्ट में मंगलवार को आयोजित मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो के नेतृत्व में विभिन्न राजनीतिक दलों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आजसू पार्टी का दामन थामा है। रांची पहुंचे एक्टर गोविंदा बुड्डू सूर्य मंदिर पहुंचे। फिल्म अभिनेता गोविंदा मंगलवार को रांची के बुड्डू स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में वे लगभग 30 मिनट तक रुके। उन्होंने मंदिर के बारे में जानकारी ली, साथ ही यहां के प्राकृतिक दृश्यों को देखकर उन्होंने कहा है कि इस जगह का और विकास होना चाहिए। इससे पूर्व उलगुलान फाउंडेशन के अध्यक्ष आजसू के केंद्रीय सचिव राम दुर्ल मुंडा के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। प्राचीन कालीन सूर्य मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब राम भगवान को वनवास हुआ था तो यहीं पर उन्होंने सूर्य भगवान को अर्घ दिया था और तभी से इस जगह पर पूजा होती है। इससे पहले भी गोविंदा कई बार रांची आ चुके हैं। पलामू से बाइक चोर के 5 सदस्यों को पुलिस ने दबोचा। पलामू जिले के हुसैनाबाद पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसके पास चोरी की 8 बाइक बरामद की गई है। इस संबंध में हुसैनाबाद SDPO मुकेश कुमार महतो ने मंगलवार को बताया है कि 18 फरवरी को बिहार के वरुण थाना क्षेत्र निवासी गोविंद कुमार सिंह ने हुसैनाबाद थाना में आवेदन देकर बाइक के चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अनुसंधान के क्रम में हुसैनाबाद के नहर मोड़ निवासी रोहित कुमार उर्फ लड्डू को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। झामुमो का झारखंड में 6 सीटों पर दावा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड की 6 लोकसभा सीटों पर दावा किया है। वहीं पश्चिम बंगाल व बिहार की 1-1 और उड़ीसा के 2 लोकसभा सीटों पर दावेदारी की है। सूत्रों ने बताया कि पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल के साथ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, विधायक सुदीप सोनू, पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य व विनोद पांडे ने सीट बंटवारे पर वार्ता की थी। इस दौरान झामो ने दुमका, राजमहल, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग व जमशेदपुर सीट पर दावा किया है। वहीं बिहार की जमुई सीट, बंगाल का झारग्राम, उड़ीसा के मयूरभंज व क्योंझर सीट पर भी दावा किया है। झारखंड मौसम। राज्य के ज्यादातर शहरों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच गया है। इस कारण दिन में धूप गर्म हो गया है। राजधानी का अधिकतम तापमान भी मंगलवार को 30 डिग्री सेल्सियस पार रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। वहीं डाल्टनगंज की स्थिति भी ऐसी है, न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर चल रहा है। राजधानी का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसका असर झारखंड पर 21 फरवरी से देखा जा सकता है। राज्य के उत्तरी हिस्से पलामू प्रमंडल में 21 से 23 फरवरी तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 23 को राज्य के दक्षिणी हिस्से में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। झारखंड में आज से लोगों को मिलेगी मुफ्त बस सेवा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बुधवार को मोराबादी मैदान से मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत करेंगे। उन्होंने विभागों की समीक्षा के दौरान राज्य के ग्रामीण और सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में सड़क परिवहन और आवागमन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इस योजना को जल्द शुरू करने का निर्देश दिया था। ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना आरंभ की जा रही है। इससे दूरदराज के लोगों को सुलभ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री इस दौरान अबुआ आवास योजना स्वीकृति पत्र भी सौंपेंगे और इसकी किस्त लाभुकों के बीच DBT के माध्यम से आवंटित करेंगे। धन्यवाद।